रहा था। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग के अंदर। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई कॉलेज। कोई प्रैक्टिकल नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, कोई क्लासे नहीं है, कोई हॉस्पिटल ड्यूटी नहीं, ओनली फॉर फन। मतलब वो तरंग चल रहे हैं ना 3 दिन से, एक दिन तो मैं गया नहीं, दूसरे दिन प्रैक्टिकल था, तीसरा आज खाली है। तो सोचा भाई चलते हैं, लास्ट दिन है वैसे भी तरंग का, अच्छे से इंजॉय करके आते, देख के आते। कल तो भाई सिंगिंग हुई थी, परसों का मेरे को पता नहीं, ठीक है। और आज होगा भाई डांस वगैरह, 2-3 कॉम्पिटिशन है, वो मैं आपको चल के बताऊंगा कॉलेज में भी कौन कौन से कॉम्पिटिशन है या नहीं है। और इसी के साथ भाई उज्ज्वल भी आ रहा है काफ़ी दिनों बाद, तो उससे भी मिलाऊंगा आपको। तो सीधा चलते हैं बिना देरी करे, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता कि आज वहाँ पे क्या क्या होगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना। बाकी बच्चे तो आएंगे नहीं, आएंगे जो वहाँ पे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं और रेंट पे रहते हैं वो आएंगे, ठीक है। तो मैं चलता हूँ सीधा कॉलेज, तब तक आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर देना, ठीक है। आगे भाई कॉलेज, पहले दर्शन कर लेते हैं बालाजी महाराज के। जय श्री राम, जय बजरंग बली, ठीक है। ये अपना कॉलेज, आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ लग रही है भाई मंदिर के अंदर, कुछ ना कुछ फंक्शन है शायद। बाकी तरंग तो चल ही रहा है, देखते हैं क्या होगा आगे। और सुबह सुबह कुछ ऐसा लगता है हमारा कॉलेज। अब उज्ज्वल आ जाए, उसी का वेट करूँगा। ओ भाई, हमें तो पता है नहीं ये फंक्शन चल रहे हैं कॉलेज के अंदर एग्ज़ाम के भीतर। एक ही हिंदी पखवाड़ा चल रहा है जो 14 तारीख से स्टार्ट था, 29 तारीख तक है। और एक ये चल रहा है भाई अमृत, एक यात्रा जीवन के उपरांत, और एक भाई साहब ये चल रहा है भाई। हमारे तो क्या एग्ज़ाम देने, इसलिए हमें तो पता नहीं और ना हम ध्यान दिए। और इसी के साथ भाई ये 3 तो अलग है, और चौथा इसी हमारे ऑडिटोरियम के अंदर चल रहा है तरंग। इसका तो खैर हमें पता है, लेकिन हमने पार्टिसिपेट भी किया था इसके अंदर, लेकिन हमारी एग्ज़ाम थी तो भाई हम हिस्सा नहीं ले सके। और आज कौन कौन से वो आपको बताता हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद चंदेल के चैनल पे। और आप, मेरे को मालूम है कि आप कितने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, आप मेरी कितनी याद करते हो। करते नहीं करते नहीं हाँ, करते हैं ना, करते हैं ना। तो इसीलिए अब मैं बताऊंगा, कारण बताऊंगा कितने दिन क्यों नहीं आ पाया, क्या रीज़न था, तो वो भी सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लग रहा होगा भाई ये उज्ज्वल इनके साथ एग्जाम क्यों नहीं चल रहे, उसका रीज़न मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। इसलिए नहीं आ पाता, कुछ रीज़न है उसकी वजह से नहीं आ पा रहा, एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा है। लेकिन क्या नहीं दे पा रहा, एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा, ठीक है। हमारे साथ देगा लेकिन हमारे साथ नहीं देगा, ठीक है। इसलिए नहीं आ पाता था, ठीक है, कुछ काम। और इसी के साथ क्या है भाई, तुम कमेंट करते हो ना भाई, इसमें उज्ज्वल नहीं दिख रहा, उज्ज्वल नहीं दिख रहा। तो उज्ज्वल भाई चैनल खोलेगा खुद का, इसलिए मैं देखा, उस पर आप देख सकते हो मेरे को। ओह माय गॉड, वाओ, उस पर आप अच्छे से देख सकते हो। उस पर तो आपको ना इसकी कॉमेडी दिखेगी, इसकी डांस वीडियो दिखेगी, डांस आता है बस साके साके पे। क्या, अरे यार क्या मतलब, तुम इसकी में बता दो चिल्ला चिल्ला के, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीम में बता दे। क्या डांस करता है भाई ये साके साके। अब ज्यादा ज्यादा डिस्क्रिप्शन, ज्यादा एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे सकता, इसके लिए आपको प्लीज मेरे चैनल पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिंक डाल दूंगा, अभी तो नहीं बनाया खेल, लेकिन अभी क्या इसको इंट्रो इंट्रो की प्रैक्टिस करवा रहा था मैं, कर ले भाई। ओ हेलो, देख ले, थोड़ा नहीं है नीड, नहीं है इतनी, बात तो सही है। आई एम अ ऑलराउंडर यार, आप सभी जानते हैं, आई एम अ ऑलराउंडर, सही बोल रहा है, बहुत ज्यादा ऑलराउंडर, ठीक है। और इसी के साथ भाई आ गया, बोला था ना भाई आ रही है, आ गया, ठीक है। इसके अलावा बाकी क्लासमेट वगैरह है जो हॉस्टल वगैरह में है, 11 बजे से हमारा तरंग स्टार्ट होगा। और आज सिर्फ 2 फंक्शन है, एक सोलो डांस, ग्रुप डांस, नहीं एक और है ना, नहीं दो ही है, छंद, छंद पाठ, छंद पाठ एक, पता नहीं छंद पाठ क्या होता है मेरे को तो नहीं पता, सही बताऊँ मेरे को। अरे उसमें छंद बोलते हैं, वो ही पाठ होता है, तो दैट इज कॉल्ड छंद पाठ, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। Guys, आप अपने ओपिनियन कमेंट करके बताएं छंद पाठ क्या होता है। चलो ठीक है, अगर आप बता दोगे ना उसकी अलग से वीडियो डालूंगा, इसमें तो नहीं डालूंगा, आप कमेंट करके जरूर बताना कि छंद पाठ होता है क्या है। चलिए तो फिर मिलते हैं उसमें, किसमें, ऑडिटोरियम में, ऑडिटोरियम में जा रहे हैं, ठीक है। 11 बजे स्टार्ट है, अभी टाइम हो चुका है 10:30, अभी आधा घंटा है, आधा घंटा है, तो आ गया मैं, देखा इसका इंट्रो करवा देता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो चलते अब सीधा अपन ऑडिटोरियम में। तो भाई लोगों, अपन चल रहे हैं ऑडिटोरियम में, ठीक है, भाग भाग लेंगे। और इसी के साथ आपको एक सूचना, इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं
हमारे कॉलेज में स्टाइपेंड को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग नहीं, सॉरी इंटर्न वाले। हाँ सभी जो जो इंटर्न है ना, हम अभी नहीं कर रहे, हम इंटर्न में हमें तब करेंगे। हाँ तो वो इंटर्न वाले कर रहे हैं। वैसे हमारे डिपार्टमेंट ने भी कर तो दिया कि इस स्टाइपेंड को लेके, बाकी देखते हैं यूनियन क्या डिसाइड करती है। बाकी जो इंटर्न वाले हैं जो अभी यूजी के अंदर, उनका चलता है। थैंक यू डॉक्टर मानवेंद्र। ये हो रहा है छंद पाठ, छंद पाठ, छंद पाठ। ये हमारी आज की छंद की लास्ट परफॉर्मेंस थी, तो मैं खत्म जजेस से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अब शुरू होगा डांस, तब तक डांस का करें तैयार। तब तक मैं ऑडियंस के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी। माहेश्वर सूत्र बोलकर सुनाना है, आ गया माहेश्वर सूत्र, आ सकते हैं कोई भी एक श्लोक अनुष्टुप छंद का। चॉकलेट लेने के लिए दो कैंडिडेट हमारे तैयार हो, इतना इतना मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है हमारे एक श्लोक डिसाइड करने के लिए। ये हमारे संस्कृत के श्लोक। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च सच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। ये थी हमारी आयुर्वेद की परिभाषा। आयुर्वेद की परिभाषा थी क्या, अनुच्छेदन क्या बोल रही थी? ये तो वही है भाई, इनका अलग है, होती चीजें वही है, होती वही है चीजें। कुछ ही देर में भाई अब डांस का शुरू होने वाला है। डांस के लिए भाई काफ़ी जनसंख्या बढ़ गई ऑडिटोरियम के अंदर, क्योंकि जो पार्ट था उसमें तो इतने लोग दिख नहीं रहे थे, लेकिन भाई उसमें तो अब सीटें फुल हो गई। दिखाता हूँ एक बार आप बैक करके, और अब शुरू होने वाला है वो मतलब डांस कॉम्पिटिशन। लेकिन हमारे उज्ज्वल को क्या दुख हो रहा है, इसने स्पीच में लिया था लेकिन क्या प्रैक्टिकल था उसके चक्कर में भाई हमने पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। नाम लिखवा दिया लेकिन फिर नहीं कर पाए। कैसा लग रहा है? मैं कुछ कह ही नहीं सकता, ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। अरे हमारे दुख दर्द और पीड़ा इसने क्या स्पीच में लिखवाए थे? या त्रिगण कृपया ध्यान दें, अपनी अपनी कुर्सियों को पकड़ लें और अपनी आंखें खोलकर हो जाए तैयार, क्योंकि स्टेज पर आप लगाने आ रहे हैं एनआईएच स्टार्स। अम्मा बेटी साहब, सबसे यहाँ पहले यहाँ राजस्थान है, तो यहाँ सबसे पहली परफॉर्मेंस भी राजस्थानी होनी चाहिए। This dance is a tribute to her dedication. Because
Soon after 9 months, her happily married life shattered when news of Richard Orzman's ultimate sacrifice came. But her hopes didn't die there. She paid her tribute to her husband by joining the Indian Army as Lieutenant Nikita Kaur. चीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। It is a woman like Lieutenant Nidhika Kaur, Lieutenant Jyoti Nainwal, Flight Officer Karima Abkar, and so many other strong women who inspire us to find the true purpose of our life. Nazron mein teri chhua, dil hai ye jadoo.
कुछ याद आ रहा तेरा शकीरा
खतरनाक, ये खतरनाक, सबसे खतरनाक ये। Yeah.
Yeah.
I'm not the only one.
क्या बोलना चाहेगा तू? गेट पे एक तरफ दुनिया को हम नचाते हैं और कॉलेज के गेट के उस तरफ दुनिया हमको नचाती है। क्या 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 बोलो, भेड़ बकरी कहाँ से आ गई? कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अरे ये सब देखेंगे ना पागल, मेरे को पता तो जानबूझ के बोल रहा है। नहीं बोला प्रमोद ने बोला। मैंने कुछ नहीं बोला भाई, जो भी पकड़े उसको पकड़ना। अभी हमने सबने देखा शिव जी का तांडव और अब आ रही है नवरात्रि, तो देवी जी का स्वागत सभी गुजराती गरबा से करें या बंगाली कुरूची से, होना तो फपी ही खाए। इसी कल्चर को प्रेजेंट करने आ रही है यूजी 19 की मोस्ट ब्यूटीफुल और मेरी बेस्ट फ्रेंड, यानी कैसे सोचे तो प्लीज कॉल साक्षी पहाड़िया फ्रॉम यूजी 19 बैच।
तो फॉरनर्स में से द अफ्रीकन बॉय फ्रॉम टोगर Yeah.
ठोक दो हमको, ठोक दो। I request all the audience to be seated, please. It's time for results. रिजल्ट देखना ही नहीं है, हमें तो मजा करना था, कर लिया भाई। मेरे को सही बताऊं, एक तो ग्रुप परफॉर्मेंस था ना, वो कौन सी, वो तू बोल रही थी कि भाई भयंकर कर रही, वो लगा ऊपर वाले भैया, नीचे वाले भैया, दो चार अच्छे वाले गाने ट्यून करके आओ। ये भाई है ना, ये की भीड़ और क्या, ये मैं सबसे मस्त लगता है, खुल के नाचो, जितना नाचो उतना नाचना, नाच लो। ये भाई हमारे एन आई के बच्चे देख लो, जो बोलते थे ना कि बच्चे नहीं दिखते। भाई क्या प्रोग्राम था, क्या प्रोग्राम था, क्या ही मजा आ गया भाई। मेरे को नाचे एंजॉय किया, देखा एक से एक डांस थे, अब पूजा करेंगे। लेकिन मेरे को दुख इस बात का हो रहा है कि काश मैंने ना ब्लॉगिंग शुरू से ही स्टार्टिंग कर देते तो आपको ऐसे प्रोग्राम भाई कहीं देखने को मिल जाते, कहीं हर साल होता है और साल में पता नहीं कितने बार होते हैं। अब तो भाई कॉलेज लाइफ भी ख़त्म हो गई, इंटर्न बाकी है, इंटर्न में हमें टाइम मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी होगा तो आपको पूरा दिखाऊंगा। लेकिन यही खाए, ठीक है भाई, हम खाएंगे खाना, आई होप आपको मज़ा आया होगा। हमें तो भाई इतना आया हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल ही नहीं कर सकते। और जो क्लास वाले नहीं आए मेरे भाई, उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया, कोई बात नहीं, तुम ये वीडियो देख के एंजॉय करना, बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बहुत अच्छे अच्छे आपको देखने को मिलेंगी वीडियो में, देखना जरूर, ठीक है। हम खाते हैं अब खाना, और एक बात का भाई हमको और दुख है कि हमने भी पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि पहले वाली वीडियो में दिखा दिया, अंताक्षरी में किया था, क्यूज में किया था, और तूने किसमें किया था, स्पीच में किया था, लेकिन क्या है भाई हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे थे, तो भाई अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत इस बात का हमें खेल गया था, हमारा टाइम दुख है, क्योंकि जिस टाइम प्रैक्टिकल चल रहा था उसी टाइम भाई वो कंपटीशन चल रहे थे, वो अभी भी था, अभी भी हो रहा था ऐसा कुछ ऐसा, हाँ हमारे जूनियर्स के साथ ऐसा भी हो रहा था, इधर तो डांस कंपटीशन चल रहा है और जूनियर्स के भाई प्रैक्टिकल लग रहे हैं, तो वो भी बेचारे इंजॉय नहीं कर पाए, कोई ना हम तो किए, पर जब गाने बजे ना तब सबने एंजॉय कर लिया, सब बीच में कूद प्रैक्टिकल छोड़ छोड़ के आगे कूदने डांस करने लग गए, प्रैक्टिकल जाए भाड़ में, हम लोग पहले डांस करेंगे, ठीक है भाई, बाय।